इंडिया गेट में से चमक निकल के आ रही है जैसे तूने जैसे स्कूल में पढ़ी थी। छोटी थी तो एक गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, तो गाइस हमारी टीम पूरी रेडी है और बहुत सारे सरप्राइजेस भी। अभी मत दिखाओ भैया, तुम पहले ही पत्ते खोल दोगे हमारे। तो गाइस यार आज बहुत ही मजा आने वाला है और एक बड़ी प्रॉब्लम भी है। ये जो लड़की खड़ी है ना, इसका आप चेहरा देख सकते हो, ये है सैड। और ये सैड क्यों है, ये हमसे लड़ रही है, किसी में इसका दिल नहीं लग रहा है, ना ये हमारे साथ खेल रही है। शनाया ये आपके साथ खेल रही है आज? नहीं, देखा ये आज खेल भी नहीं रही है, गुस्से में है। आज शनाया के चेहरे पे जो चमक है, जरा चमक देखो, चमक। शनाया की चेहरे की चमक का राज हम बताने वाले हैं और इसकी सैडनेस का भी राज बताने वाले हैं। गुस्से में है, कुछ चमक यहाँ पर भी है आज। हाँ चमक तो यहाँ पर भी है आज। इंडिया गेट में से चमक निकल के आ रही है इसके मुंह में, जो इंडिया गेट है। तो गाइस यार बहुत है, क्या हो गया? एक बार उग गया मेरा। कौन सा वाला उग गया? ये वाला उग गया। ये कहीं से उगा है जो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको पता है क्यों सुना है, इसको पता है कहाँ से उगा है, इसको पता होगा, इसको पता है। उग गया, उग गया। फिर से दिखा लेंगे। उग गया, ये शीशे में चेक कर रहा है उगा नहीं उगा। तो गाइस यार सब बहुत बहुत ही मजा आने वाला है, इनकी पूरे साल की मेहनत हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो अब हम तैयार हो चुके हैं, तो इनकी मस्तियां चल रही हैं। मैं चलो कुछ... आप लोग करो, मैं किचन में जा रही हूँ। किचन में जा रही है ये, मुझे तो अनान्या भूख लगी, कोई बात नहीं। अनान्या मुझे आप ये बताओ कि यार कोई टेंशन क्यों ले रही है इतनी, क्यों? मैं अभी बता, अभी हम बाद में बताएंगे कि तेरी प्रॉब्लम है क्या, लेकिन मुझे ये बता तू टेंशन क्यों ले रही है, ये क्या बात? मतलब हद है यार, हद है। शनाया आप क्या कहना चाहोगे अपनी बड़ी बहन को? टेंशन नहीं लेनी थी, नहीं। जो होगा देखा जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया है, जो होगा देखा जाएगा। तो गाइस अब हम चलते हैं, अभी चलते हैं कहाँ पर? किचन में, क्योंकि मेरे को भूख लग गई है। तुम्हें भी भूख लगी है? गाइस मुझे भी भूख लग रही है, लेट अस सी ये लोग क्या करते हैं और फिर उसके बाद हम कुछ खा पी कर आपको दिखाने वाले हैं कुछ बहुत ही जबरदस्त इनका रिजल्ट और इनको क्या क्या मिला, क्या क्या अचीवमेंट है, पूरे साल की मेहनत दिखाने वाले हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना। मम्मा भूख लगी है तो नूडल्स बना दो। अरे मम्मा आज तो आप खुद ही नूडल्स ऑफर कर रहे हो, ये कैसे हो गया? आप तो कहते हो कि नूडल्स अनहेल्दी होते हैं। नूडल्स तो अनहेल्दी होते हैं, पर ये है स्लर्प फार्म मिलेट नूडल्स। अरे इसमें क्या खास है? ये फॉक्सटेल एंड लिटिल मिलेट नूडल्स हैं। दे आर मेड अप ऑफ रागी एंड हैज नो मैदा। जीरो मैदा होने के साथ साथ इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये नूडल्स बेक्ड हैं, फ्राई नहीं। और इनके जो स्पाइस मेकर्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ 100% नेचुरल स्पाइसेस। वाओ मम्मा, ये तो हेल्दी नूडल्स हुए ना? बिल्कुल, और इनको दो मम्मीज ने मिलके बनाया है एंड मम्मी नो द बेस्ट। यस, तो चलो नूडल्स बनाए। ठीक है चलो बनाते हैं। पहले हम नूडल्स को 500 ml वाटर में 5 मिनट्स के लिए बॉईल कर लेंगे। उसके बाद हम गर्म पानी को ड्रेन करके नूडल्स को ठंडे पानी में रिंस कर लेंगे। और अगर हमें इसमें वेजीज ऐड करनी हो तो हम उन्हें सॉटे करके उनमें नूडल्स ऐड कर देंगे। हो गए नूडल्स तैयार। वाओ मम्मा, ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। बिल्कुल, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये तो गाइस आप भी ट्राई कीजिए यमी यमी नूडल्स। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड हमारा कोड यूज कीजिए RS20 फॉर 20% डिस्काउंट। अब ये हो गई पेट पूजा, तो गाइस अब हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं हमारे सर्टिफिकेट्स की सारी डिस्प्ले। चलो चलो शनाया खाओ और फिर फटाफट सबको दिखाओ। हाँ तो गाइस यार फाइनली खाना पीना हो चुका है, जबरदस्त नूडल्स इन्होंने खा लिए, तो अब सबका पेट पूजा हो चुकी है, तो अब बारी आ चुकी है रिजल्ट बताने से पहले हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं इनकी पूरे साल की अचीवमेंट्स। मतलब इनको स्पेशली स्कूल में बुलाया गया था और इनको पूरी जो मॉर्निंग असेंबली होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है यार कि स्कूल था ही नहीं पूरे साल,
तो ये लोग ऑनलाइन ही सारे कंपटीशन भी चलते रहे, ऑनलाइन ही सब पार्टिसिपेट चलती रही है। मगर हमारे स्कूल ने आज स्पेशली एक स्पेशल असेंबली ऑर्गेनाइज करी थी और जिन जिन बच्चों ने जीते थे लॉरल्स होल ईयर ड्यूरिंग द होल ईयर उनको आज सारे सर्टिफिकेट दिए गए फॉर द पार्टिसिपेशन फॉर द अचीवमेंट। एंड हमारे पास बस ये थोड़े से और वो दिखाओ थोड़े से सर्टिफिकेट्स आए हैं, थोड़े से आए हैं लेकिन हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं, अभी आराम से बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले सियान से स्टार्ट करें, सियान से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सियान का ही सबसे पहला सर्टिफिकेट मिला है बीच डांस फिएस्टा। सियान ने क्या किया था इसमें? आपको भांगड़ा परफॉर्मेंस करी थी, इसका वीडियो भी आया। भंगड़े वाली है, याद आ गया इसको, भंगड़े वाली। ओके, ये हमने अपलोड भी करी है गाइस, नहीं देखी तो जाके देखना। हाँ, स्कूल की भंगड़ा परफॉर्मेंस। यस, और ये मिला इसको इंग्लिश एलोक्यूशन। एलोक्यूशन इसमें सियान वन जीता था। जीता था कुछ याद है क्या बोला था? भूल गया। डैडी फेल टू द फोन। एक लाइन सुना दे जोर से, जैसे तूने जैसे स्कूल में पढ़ा। एवरीवन ग्रम्बल, द स्काई वाज ब्लू। अरे यार भूल जाते हैं साथ साथ कंपटीशन के। बहुत जबरदस्त बोला था इसने सियान ने। ओके, अब है ये सियान को मिला सर्टिफिकेट आर्ट एग्जीबिशन। आर्ट एग्जीबिशन सियान को मिला आर्ट एग्जीबिशन के अंदर। ओके, सियान सिंह को जो कविता वाचन, पर फिर भी मुझे पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिला। तो ये सियान का है, उसको समझाने दो, आप अपने समझा देना। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। और ये देखो जिसके अंदर ऐसे गोल्डन वाले बने हैं ना, वो उसके अंदर मैं जीता हूँ। ओके, तो गोल्डन वाले में जीता है, इसके अंदर भी जीता है कविता वाचन हिंदी एलोक्यूशन। ये मैं सुना सकता हूँ, सुनाएगा। एक लाइन सुना फटाफट। अरे सुना, कोशिश करने वाले लहरों से डर कर मौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब गाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर सौ बार फिसलती है। बस 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 भाई, यही नहीं अभी और सुनिए। मैं दिमाग खराब हो चुका है मेरा, इतनी बारी मैंने ये पोएम सुन ली है, मतलब मैं मतलब ये इतनी प्रैक्टिस करी है। चलो एनीवेज, खैर ये थे सियान के लॉरल, सियान के सर्टिफिकेट। अब बारी है शनाया की, और ये देखो कितनी गंदी शक्ल बना के गाइस ये बैठी है। ऐसे मुंडी लाओ और बोलो अच्छा है, अच्छा है। और इसको ऐसे लग रहा है कि इसकी इसकी वो गुम हो गई है कुल्फी, क्योंकि इसको कुल्फी बड़ी पसंद है। ओके, तो अब हाँ ये डरी हुई है बहुत ज्यादा, एंड में बताऊंगा क्यों डरी हुई है। तो अब शनाया का पहला सर्टिफिकेट है हिंदी क्रिएटिव राइटिंग। पार्टिसिपेट किया था एंड इट वाज रियली नाइस। ओके, तो अब दूसरा है ये शनाया बीट्स इंस्ट्रूमेंटल फिएस्टा। इसके अंदर हमने हार्मोनियम प्ले किया था। मैडम ये इसको बताने दो ना, इसका इसकी बर्थडे है। सही पकड़े हैं, सारी मेहनत मैंने कराई थी। मेहनत से नहीं है, जो बच्चा करता है उसकी मेहनत है। हमने शब्द प्ले करा था हर एक सिंबल। ओके, शब्द प्ले किया था हारमोनियम पे, वेरी गुड। अब ये है हिंदी एलोक्यूशन, क्लैप। मैंने ही बोली थी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही तो इन्होंने मुझे पागल कर रखा है, यही पोयम इसने, यही पोयम इसने। और अनान्या जब मुट छोटी थी तो एक सेकेंड तो अनान्या ने भी यही वाली पोयम करी थी। बहुत नॉटी है यार ये, मुझे बहुत तंग करती है। तो अब ये है इंग्लिश एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन। क्या मैंने बोला था? स्पाइडर एंड द फ्लाई, मैं आपको सुनाऊं? एक लाइन सुना दो। विल यू वॉक इन टू माई पार्लर, सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई, दिस द प्रीटीएस्ट लिटिल पार्लर दैट एवर यू डिड स्पाई, द वे इन टू माई पार्लर इज अप द वाइनिंग स्टेयर। ओके, नेक्स्ट इज इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटिशन। जीती है। और इसमें भी। तो गुस्से में क्यों बता रही है, खुश होके बताना। चलो ये है योगा। शनाया योगा भी करती है। शनाया शनाया उल्टी खड़ी हो जाती है, सिर नीचे पैर ऊपर और हाथ भी नीचे नहीं लगाती। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये भी चैलेंज है, ये भी चैलेंज है। मानते हैं शनाया मतलब 7:00 o'clock
के बेड की योगा करती है। योगा करती है ये सोते सोते, और फिर सोते सोते फ्रेश हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट है शनाया कोचर का आर्ट कॉम्पिटिशन। गाइस, शनाया को आर्ट कॉम्पिटिशन में भी मिला है। मैंने इसमें बनाया था, मतलब लाइक एक क्लीन अर्थ बनाई थी, एक डर्टी अर्थ बनाई थी, मतलब उसमें डिफरेंस था। ओके, तो गाइस यार अब मैं आपको उसमें मैंने ना मतलब शार्पन करते जब पेंसिल से जो शेविंग निकलते हैं हमने उसको भी यूज किया था। तो गाइस यार हमने पहले ही सोचा था इस वीडियो में हम आपको शनाया और सियान का रिजल्ट भी बताएंगे कि क्या मार्क्स आए हैं उनके, क्या क्या ग्रेड्स आए हैं। बट ये शक्ल जो बना के बैठी है लड़की, ये कह रही है कि मेरे को टेंशन है, मैं डरी हुई हूँ, मेरा रिजल्ट पता नहीं क्या आएगा। इन दोनों के तो बहुत तगड़े नंबर आए हैं, तो ये डरी हुई है इस करके ये हमें ये रिजल्ट नहीं बताने दे रही है। तो गाइस यार आप लोग कमेंट करके बताना, क्या आप अनन्या के रिजल्ट के मार्क्स देखना चाहते हो? तो अभी आया नहीं है, इसका रिजल्ट आने वाला है, और इन दोनों के भी आप मार्क्स जानना चाहते हो तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना, हम इनके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे। ये वाला वीडियो में हमें ये दिखाने नहीं देगी, हमने ये लैपटॉप भी लेकर आए हुए थे और इनके टीम्स के अंदर सारे मार्क्स आए हुए हैं, लेकिन ये मैडम की शक्ल देख के भाई मुश्किल हो रही है। नो प्रॉब्लम, आप कमेंट कीजिए, हम इन दोनों का रिजल्ट आपके साथ शेयर करेंगे। तीनों का करेंगे ना, तीनों का आंसर, तीनों का कमेंट करना गाइस, कमेंट करके बताना। तो गाइस माता पिता की इज्जत करना, भाई बहन को प्यार करना, और हमारे वीडियो देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को हिट लाइक कर दो। बाय, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। लंदन से आई मेरी दोस्त पार्ट वन लाइव हो चुका है हमारे चैनल रमनीक सिंह मंत्री मंत्री पे। हमारे लंदन में तो ऐसा नहीं होता। कैसा होता है देखने के लिए, क्लिक यार, क्लिक 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 क्लिक, बहुत अच्छी वीडियो है, क्लिक 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 क्लिक।